श्रीमद् भागवत महापुराण दशम स्कंध सप्तमो अध्याय सकट भंजन और तणावर्त उद्धार। इससे पूर्व के अध्याय में हमने पूतना उद्धार के विषय में श्रवण किया। अब आगे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरे। राजा परीक्षित ने पूछा, प्रभो सर्वशक्तिमान भगवान श्रीहरि अनेकों अवतार धारण करके बहुत सी सुंदर एवं सुनने में मधुर लीलाएं करते हैं। वे सभी मेरे हृदय को बहुत प्रिय लगती हैं। उनके श्रवण मात्र से भगवत संबंधी कथा से अरुचि और विविध विषयों की तृष्णा भाग जाती है। मनुष्य का अंतःकरण शीघ्र से शीघ्र शुद्ध हो जाता है। भगवान के चरणों में भक्ति और उनके भक्तजनों से प्रेम भी प्राप्त हो जाता है। यदि आप मुझे उनके श्रवण का अधिकारी समझते हो तो भगवान की उन्हीं मनोहर लीलाओं का वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य लोक में प्रकट होकर मनुष्य जाति के स्वभाव का अनुसरण करते हुए जो बाल लीलाएं की है, अवश्य ही वे अत्यंत अद्भुत हैं। इसलिए आप अब उनकी दूसरी बाल लीलाओं का भी वर्णन कीजिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित एक बार भगवान श्री कृष्ण के करवट बदलने का अभिषेक उत्सव मनाया जा रहा था। उसी दिन उनका जन्म नक्षत्र भी था। घर में बहुत सी स्त्रियों की भीड़ लगी हुई थी। गाना बजाना हो रहा था। उन्हीं स्त्रियों के बीच में खड़ी हुई सती साध्वी यशोदा जी ने अपने पुत्र का अभिषेक किया। उस समय ब्राह्मण लोग मंत्र पढ़कर आशीर्वाद दे रहे थे। नंदरानी यशोदा जी ने ब्राह्मणों का खूब पूजन सम्मान किया। उन्हें अन्न वस्त्र माला गाय आदि मोहमांगी वस्तुएं दी। अब यशोदा ने उन ब्राह्मणों द्वारा स्वस्ति वाचन कराकर स्वयं बालक के नहलाने आदि का कार्य संपन्न कर लिया। तब यह देख करके मेरे लल्ला के नेत्रों में नींद आ रही है, अपने पुत्र को धीरे से सैया पर सुला दिया। थोड़ी देर में श्याम सुंदर की आंखें खुली तो वे स्तनपान के लिए रोने लगे। उस समय मनस्विनी यशोदा जी उत्सव में आए हुए व्रजवासियों के स्वागत सत्कार में बहुत ही तन्मय हो रही थी, इसलिए उन्हें श्री कृष्ण का रोना सुनाई नहीं पड़ा। तब श्री कृष्ण रोते रोते अपने पांव उछालने लगे। शिशु श्री कृष्ण एक छकड़े के नीचे सोए हुए थे। उनके पांव अभी लाल लाल कोपलों के समान बड़े ही कोमल और नन्हे नन्हे थे, परंतु वह नन्हा सा पांव लगते ही विशाल छकड़ा उलट गया। उस छकड़े पर दूध दही आदि अनेक रसों से भरी हुई मटकियां और दूसरे बर्तन रखे हुए थे। वे सब के सब फूट फाट गए और छकड़े के पहिए तथा धुरे अस्त व्यस्त हो गए। उसका जुआ फट गया। करवट बदलने के उत्सव में जितनी भी स्त्रियां आई हुई थीं, वे सब और यशोदा, रोहिणी, नंद बाबा, गोपगण इस विचित्र घटना को देखकर व्याकुल हो गए। वे आपस में कहने लगे, अरे यह क्या हो गया? यह छकड़ा अपने आप कैसे उलट गया? वे इसका कोई कारण निश्चित न कर सके। वहाँ खेलते हुए बालकों ने गोपों और गोपियों से कहा कि इस कृष्ण ने ही तो रोते रोते अपने पाँव की ठोकर से इसे उलट दिया है, इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु गोपों ने उसे बालकों की बात मानकर उस पर विश्वास नहीं किया। ठीक ही है, वे गोप उस बालक के अनंत बल को नहीं जानते थे। यशोदा जी ने समझा कि यह किसी गृह आदि का उत्पात है। उन्होंने अपने रोते हुए लाडले लाल को गोद में लेकर ब्राह्मणों से वेद मंत्रों के द्वारा शांति पाठ कराया और फिर वे उसे स्तनपान कराने लगी। बलवान गोपों ने छकड़े को फिर सीधा कर दिया। उस पर पहले की तरह सारी सामग्री रख दी गई। ब्राह्मणों ने हवन किया और दही, अक्षत, कुश तथा जल के द्वारा भगवान और उस छकड़े की पूजा की। जो किसी के गुणों में दोष नहीं निकालते, झूठ नहीं बोलते, दंभ, ईर्ष्या और हिंसा नहीं करते तथा अभिमान से रहित हैं, उन सत्यशील ब्राह्मणों का आशीर्वाद कभी विफल नहीं होता। यह सोचकर नंद बाबा ने बालक को गोद में उठा लिया और ब्राह्मणों से साम, ऋक और यजुर्वेद के मंत्रों द्वारा संस्कृत एवं पवित्र औषधियों से युक्त जल से अभिषेक कराया। उन्होंने बड़ी एकाग्रता से स्वस्तयन पाठ और हवन कराकर ब्राह्मणों को अति उत्तम अन्न का भोजन कराया। इसके बाद नंद बाबा ने अपने पुत्र की उन्नति और अभिवृद्धि की कामना से ब्राह्मणों को सर्वगुण संपन्न बहुत सी गायें दीं। वे गायें वस्त्र, पुष्पमाला और सोने के हारों से सजी हुई थीं। ब्राह्मणों ने उन्हें आशीर्वाद दिया। यह बात स्पष्ट है कि जो वेद वेत्ता और सदाचारी ब्राह्मण होते हैं, उनका आशीर्वाद कभी विफल नहीं होता।
एक दिन की बात है, माता यशोदा जी अपने प्यारे लल्ला को गोद में लेकर दुलार रही थीं। सहसा श्री कृष्ण चट्टान के समान भारी बन गए, वे उनका भार न सह सकी। उन्होंने भार से पीड़ित होकर श्री कृष्ण को पृथ्वी पर बैठा दिया। इस नई घटना से वे अत्यंत चकित हो रही थीं। इसके बाद उन्होंने भगवान पुरुषोत्तम का स्मरण किया और घर के काम में लग गईं। तृणावर्त नाम का एक दैत्य था, वह कंस का निजी सेवक था। कंस की पीड़ा से ही बवंडर के रूप में वह गोकुल में आया और बैठे हुए बालक श्री कृष्ण को उड़ाकर आकाश में ले गया। उसने व्रज रज से सारे गोकुल को ढक दिया और लोगों की देखने की शक्ति हर ली। उसके अत्यंत भयंकर शब्द से दसों दिशाएं कांप उठी। सारा व्रज दो घड़ी तक रज और तम से ढक गया। यशोदा जी ने अपने पुत्र को जहां बैठा दिया था वहां जाकर देखा तो श्री कृष्ण वहां नहीं थे। उस समय तृणावर्त ने ववंडर के रूप से इतनी बालू उड़ा रखी थी कि सभी लोग अत्यंत उद्विग्न और वेसुद हो गए थे। उन्हें अपना पराया कुछ भी नहीं सूझ रहा था। उस जोर की आंधी और धूल की वर्षा में अपने पुत्र का पता न पाकर यशोदा जी को बड़ा शोक हुआ। वे अपने पुत्र की याद करके बहुत ही दीन हो गईं और बछड़े के मर जाने पर गाय की जो दशा हो जाती है वही दशा उनकी हो गई। वे पृथ्वी पर गिर पड़ी। ववंडर के शांत होने पर जब धूल की वर्षा का वेग कम हुआ तब यशोदा जी के रोने का शब्द सुनकर दूसरी गोपियाँ वहाँ दौड़ कर आईं। नंद नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण को न देखकर उनके हृदय में भी बड़ा संताप हुआ। आंखों में आंसू की धारा बहने लगी और वे सभी फूट फूट करके रोने लगी। इधर तृणावर्त ववंडर रूप से जब भगवान श्री कृष्ण को आकाश में उठा ले गया तब उनके भारी बोझ को न संभाल सकने के कारण उसका वेग शांत हो गया, वह अधिक चल न सका। तृणावर्त अपने से भी भारी होने के कारण श्री कृष्ण को नीलगिरी की चट्टान समझने लगा। उन्होंने उसका गला ऐसा पकड़ा कि वह उस अद्भुत शिशु को अपने से अलग नहीं कर सका। भगवान ने इतने जोर से उसका गला पकड़ रखा था कि वह असुर निश्चेष्ट हो गया। उसकी आंखें बाहर निकल आईं, बोलती बंद हो गई, प्राण पखेरु उड़ गए और बालक श्री कृष्ण के साथ वह ब्रज में गिर पड़ा। वहाँ जो स्त्रियाँ इकट्ठी हो रही थीं उन्होंने देखा कि वह विकराल दैत्य आकाश से एक चट्टान पर गिर पड़ा और उसका एक एक अंग चकनाचूर हो गया। ठीक वैसे ही जैसे भगवान शंकर के बाणों से आहत हो त्रिपुरासुर गिरकर चूर चूर हो गया था। भगवान श्री कृष्ण उसके वक्ष स्थल पर लटक रहे थे। यह देखकर गोपियां विस्मित हो गईं। उन्होंने झटपट वहां जाकर श्री कृष्ण को गोद में ले लिया और लाकर उन्हें माता को दे दिया। बालक मृत्यु के मुख से सकुशल लौट आया। यद्यपि उसे राक्षस आकाश में उठा ले गया था फिर भी वह बच गया। इस प्रकार बालक श्री कृष्ण को फिर पाकर यशोदा आदि गोपियों तथा नंद आदि गोपों को अत्यंत आनंद प्राप्त हुआ। वे कहने लगे, अहो यह तो बड़े आश्चर्य की बात है, देखो तो सही यह कितनी अद्भुत घटना हो गई। यह बालक राक्षस के द्वारा मृत्यु के मुख में डाल दिया गया था परंतु फिर भी जीता जागता आ गया और उस हिंसक दुष्ट को उसके पाप ही खा गए। सच है साधु पुरुष अपनी समता से ही संपूर्ण भयों से बच जाते हैं। हमने ऐसा कौन सा तप, भगवान की पूजा, प्याऊ पौशाला, कुआं बावली, बाग बगीचे आदि पूर्त यज्ञ दान अथवा जीवों की भलाई की थी जिसके फल से हमारा यह बालक मरकर भी अपने स्वजनों को सुखी करने के लिए फिर लौट आया। अवश्य ही यह बड़े सौभाग्य की बात है। जब नंद बाबा ने देखा कि महावन में बहुत सी अद्भुत घटनाएं घटित हो रही हैं तब आश्चर्यचकित होकर उन्होंने वसुदेव जी की बात का बार बार समर्थन किया। एक दिन की बात है, यशोदा जी अपने प्यारे शिशु को अपनी गोद में लेकर बड़े प्रेम से स्तनपान करा रही थी। वे वात्सल्य स्नेह से इस प्रकार सराबोर हो रही थीं कि उनके स्तनों से अपने आप ही दूध झरता जा रहा था। जब वे प्राय दूध पी चुके और माता यशोदा उनके रुचिर मुस्कान से युक्त मुख को चूम रही थीं, उसी समय श्री कृष्ण को जवाई आ गई और माता ने उनके मुख में यह देखा, उसमें आकाश, अंतरिक्ष, ज्योतिर्मंडल, दिशाएं, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु, समुद्र, द्वीप, पर्वत, नदियां, वन और समस्त चराचर प्राणी स्थित हैं। परीक्षित, अपने पुत्र के मुँह में इस प्रकार सहसा सारा जगत देखकर मृग सावक नैनी यशोदा जी का शरीर कांप उठा। उन्हें अपनी बड़ी बड़ी आंखें बंद कर ली। वे अत्यंत आश्चर्यचकित हो गईं। श्रीमद् भागवत महापुराण
दशम स्कंध सप्तमो अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्ण।